Kusum. कोई बात नहीं. Oh my God, तुम्हारे तो सारे कपड़े खराब हो गए. I'm really sorry. कोई बात नहीं, अभी घर जाके चेंज कर लूंगी. नहीं कुसुम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तुम मेरे साथ चलो, वहां कपड़े बदल लेना. नहीं माही, इट्स ओके, मैं घर जाके चेंज कर लूंगी. कुसुम, इतना सोच क्यों रही हो? वो घर भी तो तुम्हारा ही है ना. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. तो फिर चलो ना, प्लीज मेरी खातिर. ठीक है चलो. कर वो तुम्हारा कोट. थैंक्स. कुमुद, मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी आज. और लॉट ऑफ मीटिंग्स लाइंड अप टुडे. ओके, प्लीज टेक केयर. मैं कह रही थी कि रुमाल और मोबाइल. क्या बात, तुम्हें कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं. बैग. थैंक्स. हेलो. जन्मदिन मुबारक हो बेटा. थैंक यू आई. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? और कुसुम, वो ठीक है ना? हेलो कुमुद, हैप्पी बर्थडे कुमुद. थैंक्स अमजन. आज जीजू ने तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत बड़ी पार्टी दी होगी ना. आखिर शादी के बाद तुम्हारा पहला बर्थडे, कितना मजा आएगा. काश मैं वहां पे होती. अच्छा एक मिनट, आई से बात करो. तेरी तबीयत ठीक है ना? जी ठीक हूँ भाई, पहले से बेहतर है. आप वापस कब आ रही हैं? बस दो एक दिन में आ ही जाएंगे. अच्छा रखती हूँ. कुसुम, तुम्हारे इन कपड़ों पे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मंदिर में थोड़ा सा. मम्मी जी, वो दरअसल मेरी गाड़ी से गलती से कीचड़ उछल गया था. कोई बात नहीं, पर अच्छा हुआ कुसुम को यहाँ लेकर आई. कितने दिनों के बाद यहाँ आई है. पर बेटा आज तुम मंदिर. हाँ आज कुमुद का बर्थडे है इसीलिए. आज कुमुद का बर्थडे है? हमें तो मालूम ही नहीं. तो पार्टी होनी चाहिए हम सबके साथ. एक काम करो, तुम कुमुद और गर्व को शाम को यहाँ बुला लो. नहीं नहीं मामी, क्या जरूरत है? तो क्या हुआ कुसुम, शादी के बाद कुमुद का पहला जन्मदिन है. हम सब घर वालों के साथ मनाएगी तो अच्छा लगेगा. सबसे पहले चलो चेंज तो कर लो, तब तो मैं शाम की पार्टी की तैयारी करती हूँ. चलो चलो. वो मेरा कबर्ड है और ये मेरे कबर्ड की चाबी. जो साड़ी पसंद है पहन ले. मैं अभी आई. Thank you.
अलमारी ये अब भी यहाँ है? अभय, अलमारी की चाबी कबर्ड के ऊपर रख रही हूँ, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो। ये सब तो अभय ने अब तक मेरी हर चीज को संभाल कर रखा है। कुसुम, कुसुम, अरे तुमने अब तक चेंज नहीं किया? चाबी ला, मैं ही तुम्हारी साड़ी में। कुसुम, ये रही मेरी साड़ियाँ, इनमें से जो पसंद आए पहन लेना, और अगर कोई पसंद आए तो बता देना, मैं तुम्हें दूसरी दिखा दूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। तो ठीक है, जल्दी से चेंज कर लो। व्हाट डू मीन तुम फॉलोअप नहीं कर सके? तुम जानते हो केस कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी एक गलती की वजह से। हेलो। हाँ गर्वो। हाँ कुमुद, I'll call you back in 5 minutes, okay? तुम यहाँ क्या कर रहे? Please go do the work. Come on. Hello. हेलो कुमुद। लुक, आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा सा। कहो क्या बात है? कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही फोन किया था। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो एक क्लाइंट को लेके शायद मैं लेट भी हो जाऊँ। तुमने दवाई ले ली? हाँ, दवाइयाँ तो ले ली। कुमुद, तुमसे बात कहूँ? हाँ कहो। कुमुद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? क्या बात है? हाँ, वो एक्चुअली कल मैं ये कहना चाहती थी कि आज मेरा जन्मदिन है। लिसन, आई कॉल यू बैक इन 5 मिनट्स, ओके? हाँ कुमुद, तुम क्या कर रही थी? सॉरी, वो दूसरा फोन आ गया था। डर्मी? कुछ नहीं कर, तुम काम कर लो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। ओके, बाय। कुमुद, अरे आंटी, हैप्पी बर्थडे बेटा। क्यों आंटी? तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ घर चलना होगा। क्यों आंटी? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे बर्थडे के लिए हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है घर पे। वो ठीक है आंटी, लेकिन माँ घर पर नहीं है इस वक्त। कुमुद, कुसुम घर पे है। ठीक है आंटी, मैं चेंज करके आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं कुमुद, तुम वही चेंज कर लेना। चलो, अब बहुत देर हो गई। अरे, तो निकली को बर्थडे के लिए कहाँ इनवाइट किया है? कहीं नहीं। What? हैरी, मैंने तुझे कहा था ना कि कली को। लेकिन कली को अगर आज मैं इनवाइट भी करता तो वो नहीं आती। क्यों? क्योंकि आज कुमुद का बर्थडे और कली वहां जरूर रहेगी। रिलैक्स ना, कुछ भी प्लान करने से पहले सोच ले, और फिर झूठा बर्थडे तो हम कभी भी मना सकते हैं। आज नहीं तो दो तीन दिन बाद सही। मैन, जब भी कली को लेकर कुछ प्लान करता हूं तो डैम इट,
बीच में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर आ जाती है। अरे आ गए ये लोग। सुखी रहो। कैसी है तू? मैं ठीक हूं दादी, लेकिन इतना सब करने की क्या जरूरत थी? आज तुम्हारा जन्मदिन है और वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ घर के ही लोग हैं। अरे उसके आते तुमने उसे समझाना शुरू कर दिया। दादाजी खुश रहो बेटी। क्या बात है कुमुद, गर्व नहीं आया? वो बस आता ही होगा। कुमुद बेटा सबसे पहले तुम चेंज कर लो, कल ही जरा कुमुद को ले जाना। ओके मॉम, चलो कुमुद। देखा ना, वक्त के साथ सब कुछ कैसे बदल जाता है। हाँ मम्मी जी, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और अच्छे वक्त को गुजरते जरा भी देर नहीं लगती। काश हम उन पलों को रोक पाते तो कितना अच्छा होता ना। हाँ बेटा, पर गुजरती पलों को हम रोक नहीं सकते। हाँ उसे याद बनाकर हमेशा अपने पास रख सकते हैं, है ना? सरला? जी आई। बेटा मैं आती हूँ। सब पानी। क्या बात है सब? आज काफी लेट हो गए। हाँ ऑफिस में बहुत काम था आज। अच्छा सुनो, मैम साहब ने खाना खा लिया? सब मैम साहब तो अपनी दादी के घर गई हैं। आप सब लोगों का खाना वही है ना साहब? क्या? हाँ साहब, मैम साहब ने आपको मैसेज करने के लिए भी कहा था। गर्व अभी तक नहीं आया, मुझे खुद उसे बता देना चाहिए था कि आज मेरा जन्मदिन है। मैं क्यों उसके विश करने का इंतजार कर रही हूँ? उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि आज मेरा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे कुमार। जन्मदिन मुबारक हो कुमार। तो तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था? कैसे भूल सकता हूँ, वादा जो किया था। जब आज तक तुमने अपना कोई भी वादा नहीं निभाया तो इस वादे को निभा के तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता हूँ कुमुद, बस तुम्हें शुभकामनाएं देने आया हूँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर क्षितिज। ये हाथ मैंने तुमसे इसलिए मिलाया है क्योंकि अब तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अनजान हो तुम मेरे लिए और मैं से बहुत से अनजान लोगों से हाथ मिलाती हूँ। याद रखो तुम उन्हीं में से एक हो।
ये क्षितिज यहाँ पर तुम आओ और हम सब तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे थे और तुम गर्व का इंतजार कर रही थी। अब चलो भी, केक काटनी है ना। केक? लेकिन अब ऐसा मत बोला कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे, तुम्हारे बिना केक थोड़ी कटेगा। चलो सबको भूख भी लगी है, पहले केक काटेंगे फिर खाना खाएंगे। अब चलो भी, आओ बेटा, आओ बेटा। गर्व आया है। आओ बेटे। कुसुम बेटा, केक काटेंगे। कुमुद आप किसका इंतजार है? चलो भाई अब केक काटें। प्लीज आज तुम्हारा मत कीजिए, प्लीज। हैप्पी बर्थडे कुमुद। कुमुद, सारा केक मॉम को ही खिलाओगी, हमारे लिए भी कुछ बचेगा। चलिए सब लोग, खाना टेबल पे लग गया है। अरे कुमुद जी, दादी। बेटा मैं तो बताना ही भूल गई थी, तुम्हें याद है ना मैंने मन्नत मांगी थी सुवर्ण मंदिर जाने की? मन्नत तो पूरी हो गई है, हमें जल्द से जल्द अमृतसर जाना होगा। मैंने पूछे बिना ही हम दोनों की टिकट करवा ली है कल की, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, वो जाओ कुमार, नेक का मैं देरी क्यों, यू मस्ट गो। तो फिर बेटे हम कल ही जाएंगे। अब चलो, माँ ही इंतजार कर रही होगी। कुमार, तुमने मुझे बताया नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है। मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की थी। कोशिश? कोशिश तो वहां की जाती है जहां कोई रिश्ता ना हो, और हमारे बीच एनीवेज हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बहुत गर्मी हो रही है ना?